जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा है जैसे रास्ता और लंबा होता जा रहा है, क्योंकि स्पीड काफ़ी स्लो है, 10-20 की स्पीड में चल रही है गाड़ी। रोड काफ़ी सकरा है, बीच बीच में हल्का सा चौड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसा सकरा ही रोड, और सामने से गाड़ियाँ काफ़ी आ रही, मतलब ट्रैफिक है इस रोड में ऐसे सकरे रास्ते में, तो रोड और मतलब स्पीड और स्लो हो जा रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे इसी रास्ते वापस आना है, वापस ऋषिकेश पहुँचना है, और ऋषिकेश से फिर आगे जाना है। चलो कोई बात नहीं, इस जगह से अभी नीलकंठ के लिए 5 किलोमीटर ऊपर जाना है, और कोटद्वार का भी रास्ता यही है, 102 किलोमीटर है कोटद्वार, और ये शायद सीधा जा रहा है दुगड्डा, और हम राइट हैंड साइड में मुड़ रहे हैं नीलकंठ वाले मंदिर। मुझे लगता है कि अभी और चढ़ाई होगी, अभी यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा चढ़ाई होगी। और यहाँ पे रास्ते में मौनी बाबा का आश्रम भी है, अगर लौटते समय अगर सब ठीक ठाक रहा तो रुकेंगे, नहीं तो सीधा निकलेंगे। और मैं देख रहा हूँ गाड़ियाँ काफ़ी जा रही है, आज शायद मंडे है इसलिए अभी बहुत सारी गाड़ी जा रही है। ऐसे मेरे होटल वाले भैया ने बोला था कि भैया आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना, 7 बजे से पहले चले जाना, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे आपके। मैं तो निकल नहीं पाया, निकलते निकलते भी देर हो गया, फिर रास्ते में भी देर हो गया, देखते हैं फिलहाल तो जा रहे हैं। यार इस सामने वाली जो गाड़ी है ना, इससे किसी ने अभी जूस का पैकेट जो है उठा के रोड पे किया, ये दिल्ली नंबर की जो गाड़ी है, नहीं आना चाहिए ऐसे ऐसे लोग पहाड़ों में, चलती गाड़ी से उठा के फेंक दिया। और कई सारे लोगों को ना नौजिया हो रहा है, वोमिटिंग टेंडेंसी हो रही है, गाड़ियां रुकी हुई है साइड में और लोग जो है वोमिटिंग मार रहे हैं। होता ही है ऐसा, रोड होता है ऐसे, घुमावदार रास्ते होते हैं, लोगों को हैबिट होती नहीं है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा नहीं है। और पीछे कुछ गिरा, गाड़ी में पीछे कुछ गिरा, तो गाड़ी रुकी, मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्या गिरा। एक डंडा रखता हूँ मैं साथ में हमेशा, वो डंडा इधर से उधर गिरा तो आवाज काफी तेज हुआ। चले फिर आगे, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। और मैं नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंच गया हूँ, भीड़ भाड़ लग रहा है यहाँ पे, बसें भी आई हुई है। पीछे है मंदिर, और किसी भी मंदिर की तरह यहाँ फोटो अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने फोटो वीडियो वहाँ बिल्कुल ली। और कभी भी आप किसी मंदिर में जाए तो चढ़ावा जब भी चढ़ाए तो उसकी वो पर्ची जहाँ कटती है वहाँ पर्ची कटवा के चढ़ावा जाए। फिलहाल मैं अपने जूते पहनता हूँ। क्या बोलते हैं इसको? श्री राम कंदमूल। मतलब इसके क्या है? ये खाने का है, प्रसाद के रूप में खाया जाता है, राम भगवान ने खाए, उनके नाम पे दिखता है। खिलाओ खिलाओ, कितने का है? 20 रुपये। दो खिलाओ एक बार। ये ऐसे ही खाते इसको? ऐसे खाते, बढ़िया मीठा होता है, नारियल जैसा स्वाद होता है इसका। ये प्रसाद ये कहीं और भी देखा था मैंने, कंदमूल ठंडा मीठा होता है, थोड़ा अलग सा है, कुदरती चीज है तो, लेकिन बिल्कुल नेचुरल है। नेचुरल है तो
श्री राम कंदमु भैया बता रहे श्री राम ने खाया था ना भैया। तो ये क्या पूरा पेड़ होता है क्या? ये जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है ये वाला पूरा। तो आप कहाँ से लेके आते हो ये? चित्रकूट यूपी से लाते हैं इसको। नासिक में भी होता है, महाराष्ट्र जंगल में होता है। तो जंगलों में होता है। तो आपको कौन देके आता है? खरीदते महाराष्ट्र वाले लोग से बात करके निकालते हैं। अच्छा अच्छा। या इन भैया से हमने प्रसाद लिया था, यहाँ से प्रसाद लिया था और यहीं पे गाड़ी लगाई थी, इन्होंने गाड़ी मेरी पार करवाई थी। तो भैया से मैं पूछ रहा था, भैया एक बात बताओ, ये यहाँ पे इस मंदिर में इतनी भीड़ हो रही है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता तो बहुत पुरानी, जैसे मंदिर है तो पौराणिक है, तो इसमें शंकर जी जब विषपान करने के बाद यहाँ आए थे तो उनको शांति हुई थी। विषपान का जब उन कंठ में अटक गया था, कंठ में आ गया था, जो कंठ में धारण किए थे, तो उसके बाद होती है उनको अब शांति नहीं हो रही थी, तो उसके बाद यहाँ आके उनको शांति मिली। कितने दिन रहे यहाँ पे वो? यहाँ करीबन 60,000 वर्ष की वो इतिहास है। 60,000 वर्ष रहे यहाँ पे इसी जगह पे, स्थान पे रहे, इस स्थान पे रहे। फिर उसके बाद पार्वती आई उनको खोजते हुए, खोजने के बाद तो उन्होंने उनका ध्यान तब भी नहीं हटा, उसके बाद ऊपर जाके बैठ गए। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर है सिद्ध पीठ है वो भी। अच्छा, कि पार्वती माँ, पार्वती माँ का स्थान है। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर तब 60,000 वर्ष जाके शंकर जी से मिली। अच्छा, 60,000 के 30,000 उन्होंने भी यहाँ पे, 30,000 वर्ष वो भी रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। मंदिर में हो गए बड़े अच्छे से दर्शन, और जो भैया थे जिनसे हमने प्रसाद लिया था उनसे मैंने यहाँ की मान्यताएं पूछी कि क्या मान्यता है, क्योंकि मुझे कहानी नहीं मालूम था कि यहाँ पर बेसिकली इतने सारे लोग आ रहे हैं तो आ क्यों रहे यार, ये लोग हॉर्न बजा रहे हैं, इनको जाने दो पहले जाओ। तो मुझे पता था नहीं, जब यहाँ आया मैं तो मैं देखा कि काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लाइन लगा हुआ है, बहुत लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि आज सोमवार का दिन था इसलिए भी आ रहा, लेकिन मैंने पूछा कि मान्यता क्या है यहाँ इस मंदिर में, क्योंकि मंदिर भी काफ़ी भव्य था। तो इन्होंने बताया कि जब शिव भगवान ने विष पिया तो यहाँ पे आके उनको शांति मिली थी, 60,000 साल रहे थे यहाँ। तो फिलहाल मंदिर के दर्शन हो गए, काफ़ी अच्छा हो गया, और अब मैं रास्ते में कहीं कुछ खाऊंगा, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हालांकि बिस्किट खा लिया था मैंने। और फिर आगे के लिए हम लोग निकलेंगे ऋषिकेश होते हुए, गंगोत्री के रास्ते में निकलेंगे। आज कहाँ रुकूंगा मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन शायद चंबा या टेहरी के आसपास कहीं रुकूंगा मैं। और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, और ये पुलिस वाले जो हैं अब आगे जाने नहीं दे रहे गाड़ियों पर, क्योंकि आगे गाड़ी काफ़ी जाम लग रहा था, अब यहीं पर पार करवा रहे हैं, सारी गाड़ियाँ अब यहीं रुक रही हैं। और यहाँ से मंदिर करीब करीब 3.5 किलोमीटर है, और लोग बसों से आते हैं यहाँ पे, बसों से, कार से, स्कूटी से, मैं तो देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ हो रही है। ऋषिकेश यहाँ से अभी 26 किलोमीटर और है, अभी मुझे पूरी पहाड़ी उतरना है। पहाड़ी उतरने के रास्ते में अगर कुछ मिला मुझे खाने का तो मैं एक बार रुक के खाऊंगा, और ऋषिकेश पहुँचने के बाद मुझे कुछ सामान लेना है वहाँ से, बेसिकली पानी का बोतल लेना, क्योंकि आगे फिर पानी मिले ना मिले मतलब कैरेट ले लेंगे पूरा, और फिर निकलेंगे आगे के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ऋषिकेश पहुँचने और पहुँच के, और ये साधु बाबा भभूत लगा के जा रहे थे, उम्मीद करता हूँ कि ऋषिकेश पहुँचने या पहुँच के वहाँ से आगे बढ़ने में मुझे 12 बज जाएगा। उसके बाद कहाँ तक जर्नी हो पाती है ये देखते हैं अभी।